हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में थोड़ी सी घुमाई फिराई होने वाली है। मैं हूं अभी मुंबई में और मैंने एक ही कार रेंट करी है आज। और आज कुछ कुछ जगह हम लोग घूमने वाले हैं। आगे वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कुछ मेन जगह मैं अगर बताऊं तो गेटवे ऑफ इंडिया जाने वाले हैं, एक क्रॉफर्ड मार्केट है और कुछ कुछ चीजें अगर आगे आप लोग वीडियो में देखते रहोगे। तो चलिए घूमते हैं मुंबई में और थोड़ा बहुत आपको दिखाते भी हैं। और हाँ, गाड़ी जो मैं आज चला रहा हूँ वो है, आज मैं बताऊंगा नहीं, आज आप लोग गेस करो कौन सी गाड़ी है। एक हिंट दे देता हूँ, इंडिया में ऐसी इकलौती मारुति सुजुकी है एज फार एज माई नॉलेज इज कि जिसमें ये बटन मिलते हैं आपको, वो दो डायल्स नहीं मिलते आपको ये MID को एडजस्ट करने के लिए। तो आप लोग गेस करो और जिसको पता है वो कमेंट करो। बाकी चलिए मुंबई दिखाते हैं आपको। और हाँ, मैंने अपना ट्रिप मीटर रीसेट कर लिया है और जो हमारा ये है फ्यूल मीटर, फ्यूल वाला एवरेज कितना दिखाता है वो भी मैंने रीसेट कर लिया है। ये अभी आप एकदम एक्चुअल मत मानना, ये एट द एंड ऑफ द ट्रिप मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने किलोमीटर चलाए और इसने कितना माइलेज दिया। और भाई साहब, मुंबई में आए और ट्रैफिक में नहीं फंसे तो क्या ही मुंबई में आए। अभी मैं हूँ JVLR फ्लाईओवर पार किया मैंने, मलाड से मैं आ रहा था और अच्छा खासा जाम है भाई साहब, आप लोग मैप पे भी देख सकते हो पूरा लाल हुआ पड़ा है। मेरा ऐसा मानना है, सबका ऐसा मानना होगा मेरे ख्याल से हम सबका, कि आप 85 बार फ्लाइट में ट्रैवल कर लो, ऐसे उड़ते हुए प्लेन को देखने का मतलब अलग सुकून होता है। वो मतलब वो जो इच्छा होती है ना कि ओ अच्छा पूरा देखना है मेरे को उड़ते हुए, तो वो अलग ही फीलिंग होती है। आप कितनी बार भी उड़ लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये क्या है भाई, बैंड्रा वर्ली सीलिंग का एक फर्स्ट कॉपी ब्रिज के ऊपर। और हाँ, हो सकता है मैं आपको बैंड्रा वर्ली सीलिंग भी दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में, अभी ही दिखा दूंगा। तो भाई साहब, ये दूर के दर्शन है बैंड्रा वर्ली सीलिंग के, ये ऑब्वियसली द अरेबियन सी है। और भाई साहब बिल्डिंग्स देखो आप, जो दिल्ली वाले कहते हैं ना कि अरे दिल्ली में भी बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, नहीं भाई मुंबई में ज्यादा है। आके देखो, मुंडी ऊपर करनी पड़ती, ऐसे करना पड़ता तब दिखती है। भाई साहब ये कुछ ज्यादा ही ह्यूज नहीं है। सो बैंड्रा वर्ली सीलिंग पे पहुंच चुके हैं और इसको राजीव गांधी सेतु भी कहते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था और ये बात शायद सही भी है कि जितना वायर इस पूरे ब्रिज को बनाने में यूज हुआ है दैट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। मतलब भाई साहब रेडियस नहीं, डायामीटर नहीं, सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, तो भाई काफी ही ज्यादा। और हाँ मतलब दिख भी रहा है। और बिल्डिंग्स देखिए भाई साहब, ये स्काई स्क्रेपर जो है मतलब गजब ही लग रहे हैं, गजब। मतलब ये भाई साहब मुझे कोस्टर दिखाया, प्राइवेसी दैट्स आईफोन। तो अब आईफोन का प्रमोशन ऐसे हो रहा है, प्राइवेसी मतलब चाइनीज ब्रांड तो आपकी प्राइवेसी की मार ही रखे हैं, तो भाई आपको कोई बचा सकता है तो वो आईफोन है। मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ इफेक्ट हुआ था जब क्या कहते हैं 2014 में BJP गवर्नमेंट आई थी, तो कांग्रेस वॉज द मोस्ट करप्ट पार्टी। तो ऐसे लोगों ने सोचा कि ठीक है बीजेपी थोड़ी कम करप्ट है तो बीजेपी को चुनते हैं। वैसे ही लोग अब MI की जगह आईफोन को चुन रहे हैं क्योंकि आईफोन कम यू नो आपकी प्राइवेसी को इंजेक्ट करता है। पहली झलक गेटवे ऑफ इंडिया की, ये है भाई साहब मुंबई दर्शन वाली बस। तो भाई साहब अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे जगह और ये रहा होटल ताज, ये आइकॉनिक होटल ताज और ये रहा गेटवे। तो ये है पूरा गेटवे के पास वाला एरिया, कोलाबा कहते हैं इसको। और ये आप थोड़ा सा आपको यहाँ से लंदन की वाइब्स आ रही होगी क्योंकि यहाँ ये मतलब भाई ब्रिटिशर्स ने ही बनवाया है
और गेटवे पे भी आप लोगों ने लिखा कि इट वॉज बिल्ट टू कॉमेमोरेट दी यू नो अराइवल ऑफ किंग एंड क्वीन, मैं नाम भूल गया उनका, वीडियो में मैंने दिखाया था, आप लोग पढ़ सकते हो। तो या थोड़ी थोड़ी इधर की वाइब्स है और सड़कें भी काफी वाइब्स पतली पतली हैं। तो भाई लोग अभी हम लोग आ चुके हैं दलाल स्ट्रीट पे, आगे गाड़ी नहीं अलाउड है तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये है बीएसई का ऑफिस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आप लोग देख सकते हो सारे ये स्टॉक्स लाइन से चल रहे हैं ऐसे, मतलब कुछ ऐसे मेरा बहुत ज्यादा ऐसे लेना देना नहीं है इनसे, इन सब चीजों से, बट ऐसे वो पता ना कुछ कुछ मूवीज देख के ऐसे फिर मन करता है कि नहीं नहीं यहाँ तो जाना है जाना है, तो हर्षद मेहता देखने के बाद ऐसे मन था कि हाँ यहाँ पे एक बार आया जाए। तो या तो ये है भाई साहब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई का हेडक्वार्टर, और उसके सामने हमारा वीटी स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अच्छा सारी बिल्डिंग्स के ऊपर ना, जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक जानवर का ऐसे वो स्कल्पचर बनाया हुआ है, और इसका मुंह आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो मुंह खुला हुआ है, तो दिस इज एक्चुअली अ ड्रेनेज सिस्टम, ऐसा मुझे बताया गया है, अगर मैं सही नहीं हूं तो प्लीज करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, बट हाँ मुझे ऐसा बताया गया है कि हाँ ये सारे ड्रेनेज वो पाइप्स हैं एक तरह से, इधर इधर ये देख सकते हो आप लोग सब जगह, यहाँ पे ये उधर भी है। अब अभी हम लोग आ चुके हैं मुंबई के अमीनाबाद में, मजाक कर रहा हूँ, इट इज द क्रॉफर्ड मार्केट, हर चीज के थोक विक्रेता यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो देखते हैं कितने थोक पाते हैं हम लोग इनको। ये मुझे दिखी है काफी ही अतरंगी सी एक ट्रैफिक लाइट, ये आप देख सकते हो पूरी एक स्ट्रिप है, ये अभी रेड है, अभी ग्रीन होगी तो होगी, दिखाते हैं आपको, ये देखिए काफी सही है, काफी दूर तक ऐसे दिखेगा क्योंकि मुंबई में काफी लंबा जाम लगता है तो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है लोगों की। ये भाई साहब चमचमाती हुई बिल्डिंग है, अभी पास से देख लीजिए, फिर जब सीलिंग पे जाएंगे तो आपको दूर वाला दिखाएंगे। ये देखिए ये है वो स्काईलाइन जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मैंने पास से दिखाई थी, अब आप इसको दूर से देख सकते हैं, और ये है हमारा प्यारा बांद्रा वर्ली सीलिंग या राजीव गांधी सीलिंग। तो भाई वहाँ क्रॉफर्ड मार्केट से निकलने के बाद मेरा ऐसा मन किया कि थोड़ा ऐसे कहीं किसी का घर तो देख लिया जाए, कहीं तो किसी के सेलिब्रिटी का तो घर देख लिया जाए, तो मैंने कहा सबसे पास में सल्लू भाई का है, सल्लू भाई का देख लेते हैं। तो ये रहा सल्लू भाई का घर, पीछे काफी मरम्मत वाली सिचुएशन में है, तो पता नहीं कौन से माले पर रहते हैं भाई जो है, लेकिन यही है। और एक बात काफी अजीब सी लगी मुझे, पता सल्लू भाई का घर यहाँ पे है और पता शाहरुख भाई का पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज दिस ब्रो, सल्लू भाई का लगना चाहिए ना यहाँ पे, तो तूफान, अच्छा सॉरी चेंज हो गया ना, ओके। और ये आ चुके हैं हम लोग बीकेसी इज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स भाई साहब, ये भी अलग एकदम वो है कि बिल्डिंगों की ऐसे जमघट, और बीकेसी से होते हुए हम लोग जा रहे हैं एक और सेलिब्रिटी के घर, वहाँ पहुंच जाते हैं। तो भाई साहब जिस सेलिब्रिटी की मैं बात कर रहा था, ये घर नहीं पता उनका, घर स्पेसिफिकली घर नहीं पता उनका कहाँ पे है, बट हाँ वो इस एरिया में हम लोग आ चुके हैं, तो द एरिया इज हीरा नंदानी इन पवई, और सेलिब्रिटी अगर आप नहीं समझे अभी तक तो ये मुंबई का निखिल, तो बहुत कम चांसेस उनके देखने के, और एक तो रात में आए हम लोग तो रात में तो और भी कम चांस है उनके मिलने का, तो एक छोटा सा राउंड मारता हूँ मैं, अगर किस्मत अच्छी हुई तो मिलेंगे वरना। और ये जो पूरा ही कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑब्वियसली मुंबई के निकल के ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत बार देखा ही होगा, बट अभी मैं मतलब एक्चुअली में यहाँ पे आके देख के लग रहा है कि हाँ मतलब काफी ही अलग बना हुआ ये पूरा जो एरिया ही है पूरा हीरा नंदानी। सो अपेरेंटली ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे हमें ऐसी आशंका है कि निखिल भाई रहते हैं, और ऑब्वियसली हम अंदर नहीं जाएंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। बाकी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जी मैं बताना भूल गया था कि 102 किलोमीटर गाड़ी चली है, मैंने 900 का तेल जलाया था, लगभग 113 रुपए तेल है यहाँ मुंबई में, और 14.1 किलोमीटर पर जगह माइलेज दिया, काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप लोगों ने देखा काफ़ी यू नो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था, तो ये था इसका माइलेज इग्निस का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन।